व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे मैं मारिया खालिद अपने YouTube चैनल पे आपको खुशा आमदीद कहती हूँ आज जिस खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हैं वो खबरें ये हैं मुलाहिज़ा फरमाएँ पहले खबर है आटे के हवाले से आटे का बहुत बड़ा बुरहान पाकिस्तान में आने वाला है और दूसरी खबर है स्मोक के हवाले से कि आलौदगी ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं जो इंडस्ट्री एरिया है फै फैसलाबाद का और गुजरावाला का ये कहाँ तक पहुँच चुका है और दुनिया में कौन से नंबर पे पाकिस्तान का शहर और दुनिया का नंबर एक शहर कौन सा है आलूगी में ये मैं बताऊँगी और तीसरी खबर है तीसरी खबर की जानब मैं बताऊँगी कि ना हमने कौन से मुल्क से कितना अरब डॉलर का कर्ज ले रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं हमारे कि हम ना डॉलर ले रहे हैं और बहुत पैसा आने वाला है किस इवज आने वाला है और अगली ख़बर ये है कि सुई गैस के हवाले से कि सुई गैस का कौन सा किस तरह बुरहान है और इन्होंने कहा था कि अब सर्दियों में कोई गैस नहीं जाएगी तो इसकी क्या सेटिंग इन्होंने की है और हमारे साथ क्या करने वाले हैं और डॉलर का रेट आज का क्या है और कितना बढ़ा हुआ है दुनिया से ये सब खबरें जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले मेरी अपडेट्स मिले न्यूज़ की अपडेट्स मिले तो थैंक यू मैं पहले ख़बर की जानब जाती हूँ आटे के हवाले से आटे के पाकिस्तान में गंदम उगती है पंजाब में बहुत ज़्यादा उगती है और इमरान खान के आने से पहले हम पूरी दुनिया को गंदम सप्लाई करते थे अफगानिस्तान को सप्लाई करते थे आज ये हाल है कि हम अफगानिस्तान को तो गंदम दे रहे हैं लेकिन बाहर से हम ले रहे हैं पहले हम देते थे अब ले रहे हैं तो हमारे बहुत बड़ा बुरहान है और और ये भी कहा जा रहा है कि आप जुनूबी पंजाब से गंदम परचेज़ करने लगे हैं और कह रहे हैं कि ना गंदम गंदम आटा बहुत महंगा हो जाएगा क्योंकि जब परचेज़ करके इधर से उधर की जाएगी तो और ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो गंदम का आटे का बुरहान नजर आ रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मिल मालकान है जो गलत ब्लैक मेल कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने स्टोर कर लिया और हमें यह सब करना पड़ रहा है बाहर से भी मंगवानी पड़ रही है और पंजाब से लेनी पड़ रही है तो ये कुछ मसाइल गंदम के हवाले से हो रहे हैं ये हमारे हुक्मरान को देखना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए गंदम हो या चीनी हो या चावल हो घी हो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास होती हैं उनको तरीक़ेकार होता है ये नहीं होना चाहिए कि बुरहान आ जाए हती कि जहाँ उगती है वहाँ ही ना हो चीज़ तो ये बड़ी गलत बात है दूसरी खबर है सुई गैस के हवाले से जो मैं आपको बताऊंगी सुई गैस का दस साल पंद्रह साल हो गए बहुत बुरहान हम देख रहे हैं अतः के सुई के मकाम से सुई गैस निकलती है और पाकिस्तान में इस टाइम बहुत कमी है गैस की कहाँ जाती है क्या होता है और हमें ईरान से लेनी पड़ी है गैस इसकी क्या वजूहत है और आगे आप देखें कि अब वो कह रहे पहले इन्होंने कहा कि हम आपको चौबीस घंटे गैस देंगे सर्दियों में गैस नहीं जाएंगी झूठे वादे करते रहते हैं और आप देख लें कि अब उन्होंने नया शेड्यूल आज का जारी किया है कि सुबह सुबह आएगी गैस साढ़े पाँच से लेकर आठ बजे तक फिर आएगी ग्यारह से दो बजे तक फिर चार से साढ़े आठ बजे तक कोई शेड्यूल है कि उन्होंने कहा कि सुबह दोपहर शाम का नाश्ता आप बना सकेंगे लंच बना सकेंगे डिनर बना सकेंगे बीच में आती जाती रहेगी और रात को नहीं होगी एक ये है तो कुछ दिन पहले भी ये जब काबिना में ये बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि क्या अंडा हम पका सकेंगे इतनी गैस होगी उन्होंने कहा हाँ जी तो ये भी थोड़ा तंज किया गया था गैस के हवाले से तो आटे की भी खबर सुनाई है मैंने आप सु गैस की आप स्मोक पे जाते हैं स्मोक की ये ख़बर है कि पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी की शिकायत बच्चों को बड़ों को हो रही हैं तो मास्क पहन के बाहर निकलें और ये स्मोक की वजह यह है कि इंडस्ट्री एरिया है फैसलाबाद का गुजरावाला काईवाल का क्योंकि साईवाल में बहुत इंडस्ट्रियाँ हैं गुजरावाला में भी वहाँ की स्मोक जब हवा में उड़ती है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलती है और जिसकी वजह से नस्ला जुकाम खांसी और चस्ट इन्फेक्शन होता है और भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं तो दुनिया में दूसरे नंबर पर लाहौर है जो बहुत बड़ा गंदगी का शहर जिसे पॉल्यूशन का शहर कहा जा रहा है और पहले नंबर पर दिल्ली है जिसे दुनिया का नंबर एक गंदगी पॉलूशन का शहर कहा जा रहा है तो हमारे हुक्मरान आंखें बंद करके ऐसे बैठे हैं जिनके जैसे उनको कुछ पता नहीं लग रहा हत्या के अंदर वो बनी गाला में हो जा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं से आपको भी सेक पहुँच सकता है इस चीज़ का जो दूसरों को नुकसान हो रहा है आप ये ना समझे कि हम बच रहे हैं कहीं ना कहीं से इसका सेक आपको भी पहुँचेगा जो आप आंखें बंद करके बैठे इसलिए खुदा ख्याल करें इंडस्ट्रियों को देखें कि उनमें से पलूशन कम की जाए चिमनियाँ और इंटों के भट्टों से इतनी धुआं निकल रहा है जिसका नुकसान अवाम को हो रहा है जब म को होगा हमारे ज़रात को होगा तो हम कहें खाएँगे कहाँ से और बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी तो हमें सोचना चाहिए इस हवाले से फिर एक और ख़बर मैं आपको बताऊँगी बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमें इमदाद आ रही है तीन सौ तीन सौ करोड़ की यानी कि तीन अरब डॉलर की इमदाद आ रही है सऊदीया से आई एम एफ ने कर्ज़ा मंजूर कर लिया आप ख़ुद बताएँ ये जब कर्ज़ आता है ना तो इसके पीछे बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं हम किसी से मैं आपसे या आप मुझसे कर्ज लोगे हम दो बंदों से कर्ज लेते हैं तो प्लच करते हैं किसी चीज़ को यानी कि गिरवी रखा जाता है जब ये कर्ज़ लेते हैं तो पाकिस्तान को गिरवी रखते हैं पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों को गिरवी रखते हैं कोई सड़कें हो सकती हैं एयरोप्लेन हो सकते हैं कुछ भी उसको गिरवी रख के कोई ऐसे है कि हमें है ना तीन करोड़ डॉलर का कर्ज़ दे देगा तीन अरब डॉलर का कर्ज़ दे देगा उसके पीछे जो हकाइक होते हैं सच्चाइयाँ होती हैं वो हमसे छुपाई जाती हैं सिर्फ ये बता दिया जाता है कि ये कर्जा आ रहा है ये कर्जा आ रहा है हम ये करेंगे ये मिलों को देंगे इसको देंगे ऐसी बात नहीं है हाँ, कर्ज से बचना चाहिए हमने जिंदगी में ये देखा है जब जब किसी भी चीज़ को प्लच कराया जाता है यानी कि गिरवी कराया जाता है गिरवी रखते हैं वो चीज़ भी खत्म हो जाती है क्योंकि हमारा दीन कहता है कि इस इस दीन इस्लाम है जो हमारा वो ये कहता है कि जब सूद लेने वाला और देने वाला वैसे है कि जैसे वो अल्लाह से जंग कर रहा है तो यही बात है कि हमने जंग तो नहीं करनी और उसमें कभी भी खुशहाली नहीं हो सकती पाकिस्तान जो खुशहाली की तरफ नहीं है सिर्फ प्लच किया जा रहा है पाकिस्तान को और बाहर से आ रहा है और बड़ा खुश हो रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे उन्होंने इन्होंने दिखाना क्या है पचास लाख पचास करोड़ लगा के पचास करोड़ डॉलर लगा के ढाई करोड़ डॉलर जेब में इनका ये हाल है और अपनी जेबें गर्म करते हैं पाँच साल गुजारते हैं और टाटा बाय बाय दुबई में फ़्लैट ले लेते हैं लंदन में फ़्लैट ले लेते हैं उसके बाद कभी नहीं पूछते आप पिछले सबको देख लें इनका भी वही हाल है जब ये जाएंगे इन पर बहुत सारे केसेस होंगे और इन्होंने पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आना जैसा कि आप देख रहे हैं और देखेंगे तो इसके बाद आज डॉलर का रेट आप देख लें कि एक सौ छिहत्तर रुपए है कहाँ जब नवाज शरीफ गया था तो सौ रुपए अठानवे रुपए एक सौ एक इस तरह था आज उसका रेट एक सौ छिहत्तर रुपए है और यह भी बताया जा रहा है कि दुनिया से ग्यारह रुपए ज़्यादा है रेट तो बहुत ज़्यादा है अब देखें पेट्रोल साठ रुपए था तो इमरान खान कहता था कि चालीस रुपए होना चाहिए बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है आज पेट्रोल का रेट एक सौ छियालीस हो गया और कहा जा रहा है कि ढाई सौ तक जाएगा ये इमरान खान के ख्वाब है हमारे लिए ये वो ये जो कहते थे ना घबराना नहीं है वो इसलिए कहते थे कि इसलिए नहीं घबराना जो मैं पेट्रोल महंगा करूंगा चीनी 140 हो गई है घी 370 हो गया है 180 था ऑयल आज 370 पे उसका रेट है और चीनी जब ये आया था तो 48 रुपए थी आज का आप रेट देख लें आज का रेट उसका, रेट उसका 140 हो चुका है आटा देख लें आटा जब आया था 35 से 40 और 42 के दरमियान था अब ये 90 रुपए तक आटा पहुंच चुका है और दूध देख लें सत्तर रुपये था और आज उसका रेट एक हो चुका है तो आम वाम क्या करेगी हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो गए जो सब्ज़ी एक अगर साठ रुपए किलो मिलती थी आज साठ रुपए पाओ है आप अंदाज़ा कर ले सा, किलो और पाओ का तीन गुना महंगाई हो गई है एक अब रिकॉर्ड किया जा रहा है कि के एक सौ एक सौ तैतीस फ़ीसद महंगाई पाकिस्तान की ज़्यादा हुई है इमरान ख़ान के दौर में इमरान खान साहब अल्लाह को भी हम सब ने जवाब देना है आप ख़्याल करें अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक रजी उन्होंने कहते थे कि मेरे मेरे दौर हकूमत में अगर एक कुत्ता भी प्यासा मरेगा उसका भी मैं जवाब दे हूँ तो यहाँ तो कुत्ते दूर के बाद बंदे भूख प्यास से मर रहे हैं अपने इलाज मुआवजा नहीं करा सकते और पे इतनी महंगाई की जा रही है तो आप कुछ सोचें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू